My dear student, good morning to all of you. Pay attention to what I say. Today, I will teach you cloning vehicles or vectors. जैसे कि हम जानते हैं बायोटेक्नोलॉजी के बहुत सारे टॉपिक आपको बता चुके हैं, इसी टॉपिक के ऑर्डर में हम आप लोग आज बताने जाएंगे क्लोनिंग व्हीकल्स और वेक्टर क्या है। ये एक बार फिर हम ध्यान देना चाहेंगे आप लोगों को कि बायोटेक्नोलॉजी में हम डिजायरेबल जीन टेक्निक जीन इंजीनियरिंग का यूज करते हैं। मींस उसमें हम डिजायर करेक्टर वाले जीन को सेलेक्ट करके और प्लाज्मिड पर उसको हम लोड करते हैं, उसमें जोड़ते हैं। तो जिस पर जोड़ते हैं वो भी एक डीएनए ही होता है। तो उसी डीएनए जिस पर जोड़ते हैं होस्ट सेल में डालने के लिए वही डीएनए को कहते हैं क्लोनिंग व्हीकल्स आर वेक्टर, क्योंकि वही डीएनए प्लाज्मिड्स होस्ट सेल में जाता है और जा करके जो डिजायरेबल करेक्टर ज्वाइंट किए हैं उसी करेक्टर को रिप्लिकेट करके डिजायर करेक्टर वाले ठीक ना प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। तो क्लोनिंग वेक्टर उसी के बारे में हम आज आप लोग से डिस्कशन करेंगे कि अ वेक्टर ही डीएनए मॉलिक्यूल्स, जिस ऑलरेडी बताया हम लोग जो क्लोनिंग वेक्टर होता है ये भी एक डीएनए ही मॉलिक्यूल्स है, कुछ दूसरी चीज नहीं है। क्या है डीएनए मॉलिक्यूल्स विच हैज एबिलिटी टू रिप्लिकेट। वो जो डीएनए मॉलिक्यूल्स होता है जिसको हम वेक्टर के फॉर्म यूज करते हैं उसमें कैपेसिटी होती है किसकी रिप्लिकेट मींस कॉपी करने की, अपने जैसे बहुत सारे कॉपी वो कर सकता इन एन होस्ट सेल, जिस होस्ट सेल में डालेंगे उसके अंदर जा करके और वह क्लोनिंग वेक्टर अपने बहुत सारे कॉपी क्या कर सकता है का फॉर्मेशन कर सकता है। एंड इन टू विच डीएनए फ्रेगमेंट टू बी क्लोन्ड। तो क्या है ये डीएनए मॉलिक्यूल्स है जो होस्ट सेल में बहुत सारे कॉपी करता है, वो किसी कॉपी करेगा जो फ्रेगमेंट डिजायरेबल हम उसके ऊपर ज्वाइंट किए हैं उस डिजायरेबल करेक्टर वाले जीन को कॉपी करेगा कहां पर होस्ट सेल के अंदर जाकर। टू बी क्लोन्ड नोन एज डीएनए इंजर्ट इन इंटीग्रेटेड फॉर क्लोनिंग, जिस डीएनए को हम इंटीग्रेट किए हैं ज्वाइंट किए हैं क्लोनिंग के लिए उस डीएनए को लेकर के डीएनए फ्रेगमेंट को लेकर के वह क्लोनिंग वेक्टर मींस प्लाज्मिड्स होस्ट सेल में जाएगा और जा करके उसमें कैपेसिटी होती है कि अपने बहुत सारे कॉपी साथ साथ डिजायरेबल जीन को भी कॉपी उसमें क्या करता है करता है। कह रहा है कि द क्लोनिंग ऑफ अ फॉरेन फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए इन बैक्टीरिया, कह रहा है कि जो फॉरेन डीएनए बैक्टीरिया में होस्ट बैक्टीरिया में डाला गया है, कह रहा है कि द क्लोनिंग ऑफ फॉरेन फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए इन बैक्टीरिया, जो फॉरेन फ्रेगमेंट डीएनए का बैक्टीरिया में डाले हैं इज मेड पॉसिबल, वो संभव तभी होता है ड्यू टू एबिलिटी ऑफ क्लोनिंग वेक्टर। कह रहा है कि क्लोनिंग वेक्टर नहीं रहता है तो हम डिजायरेबल फ्रेगमेंट को फोर्स सेल में क्लोन नहीं कर सकते, लेकर के टुकड़े को हम फ्रेगमेंट बना करके और इस तरह से घूमते रहते कैसे उस सेल के अंदर डालते। तो यही क्लोनिंग वेक्टर ही है जिसमें हम ज्वाइंट कर देते हैं और ज्वाइंट करते हैं तो उसको अपनाता है और उसमें कैपेसिटी होती है कि होस्ट सेल में जब जाएगा तो रिप्लिकेट करेगा तो साथ साथ जो फ्रेगमेंट है उसको भी कॉपी करता है। तो यही कह रहा है कि यह क्लोनिंग बैक्टीरिया सेल में फ्रेगमेंट डिजायरेबल जीन की क्लोनिंग किसके चलते पॉसिबल है,
क्लोनिंग वेक्टर के चलते ही पॉसिबल वही कर रहा है। तो क्लोनिंग ऑफ वायरल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए इन बैक्टीरिया इज मेड पॉसिबल, इसी वेक्टर के कारण ही पॉसिबल है, ड्यू टू द एबिलिटी ऑफ क्लोनिंग वेक्टर, क्लोनिंग वेक्टर के रिप्लिकेट होने के एबिलिटी कारण है, और कैरीज टू कंटिन्यूस देयर लाइफ स्टाइल, कह रहे हैं कि वह डिजायरेबल करेक्टर को लेकर जाता है और अपने लाइफ स्टाइल जो उसका रहता है उसी के रूप में उसको बार बार लगातार कॉपी करता, अपने लाइफ स्टाइल में ही चेंज करके नहीं, जो उसका लाइफ स्टाइल है उसी स्टाइल में उस डिजायरेबल करेक्टर को भी क्या करता है, वो बहुत सारे कॉपी करता है। आफ्टर एडिशनल सिक्वेंस ऑफ डीएनए हैव बीन इंसर्ट इनटू देयर जीनोम, उसके जीनोम में जो ऐड किया गया सीक्वेंस है उसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ही कॉपी करता है, जो एडिशनल सीक्वेंस का है ना, एडिशनल सीक्वेंस जो ऐड किया गया है, जिस सीक्वेंस को हमने ऐड किया है उसी सीक्वेंस को अपने लाइफ स्टाइल में उसका भी कॉपी करता है, ये नहीं कि अपना क्यों नहीं करता है, जो डाले हैं डिजायरेबल करेक्टर उसको भी कॉपी करता है, कैसे अपने लाइफ स्टाइल में, ठीक है ना। कह रहा है कि टू एक्ट एज वेक्टर, वेक्टर फॉर्म में हम यूज करते हैं, डीएनए मॉलिक्यूल शुड बियर फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, कह रहा है कि जो वेक्टर डीएनए मॉलिक्यूल, जो डीएनए मॉलिक्यूल वेक्टर फॉर्म यूज करते हैं उसके कुछ करेक्टर्स होते हैं, किसी तरह के जो है कि डीएनए मॉलिक्यूल को हम वेक्टर के फॉर्म यूज नहीं कर सकते हैं, उसमें कुछ स्पेशलाइज करेक्टर होता है, क्या होता है उसको ध्यान देना है, मतलब जो भी हम वेक्टर के फॉर्म में डीएनए मॉलिक्यूल यूज करते हैं उसके कुछ स्पेशलाइज करेक्टर होते हैं, क्या होते हैं भाई, तो फर्स्ट ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, जो भी हम डीएनए वेक्टर के फॉर्म में यूज करेंगे उसमें ऐसा प्लेस हो जहाँ पर हम डिजायरेबल जीन को ऐड करें तो उसमें रिप्लिकेट करने के लिए कोई ना कोई स्पेसिफिक पॉइंट हो जहाँ से रिप्लिकेशन हो, कि नहीं कि डाल दिए और रिप्लिकेशन ही नहीं हो, तो उस डीएनए मॉलिक्यूल्स में जिसमें हम किसको वेक्टर फॉर्म यूज करेंगे जिसमें ओरिजिन प्लेस हो, जिसको ओरी बोलते हैं, देखते हैं स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, कह रहा है ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन मीन्स ऐसा प्लेस उसमें हो जहाँ पर रिप्लिकेशन हो, इट रिप्रेजेंट द सीक्वेंस, उस सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करता है ओरी को, फ्रॉम वेयर रिप्लिकेशन इनिशिएटेड, बताया था ना कि इस मॉलिक्यूल्स में ऐसा प्लेस हो जहाँ से रिप्लिकेशन क्या हो, इनिशिएट किया जा सके, शुरू किया जा सके, एंड एनी फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए व्हेन इंटीग्रेटेड टू सीक्वेंस कैन बी मेड ऑफ रिप्लिकेट विद इन होस्ट सेट, कह रहा है कि ऐसी जगह होना चाहिए जहां पर हम फ्रेगमेंट को फॉरेन डीएनए को ज्वाइंट करें, उस डीएनए को होस्ट सेल के अंदर जाने पर उस डिजायरेबल करेक्टर को क्या करें, रिप्लिकेट कर सके, तो उसमें ऐसा प्लेस होना चाहिए, तो उस प्लेस को क्या कहते हैं हम, ओरी ऑफ रिप्लिकेशन, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन मीन्स इस क्लोनिंग वेक्टर में ऐसा प्लेस होना चाहिए जहां पर यदि हम फॉरेन फ्रेगमेंट ऐड करते हैं तो वहां पर रिप्लिकेशन इनिशिएट हो सके, ऐसे प्लेस को बोलते हैं ओरी ऑफ रिप्लिकेशन, तो क्लोनिंग वेक्टर में ऐसा प्लेस होना चाहिए फर्स्ट। सेकेंड का है सेलेक्टेबल मार्कर, अब यह वेक्टर हम जिस बैक्टीरिया सेल में डालते हैं वह उसको सेलेक्ट करता है कि किस बैक्टीरिया सेल में डालने पर एंजाइम्स एंटीबॉडी प्रोटीन का सिंथेसिस हो, ये नहीं कि कहीं पर भी जो है कि किसी में नहीं जाता है, ये सेलेक्ट करता है कौन, ये क्लोनिंग वेक्टर सेलेक्ट करता है कि किस बैक्टीरिया में डालने पर एंटीबॉडी का सिंथेसिस होगा, एंजाइम का सिंथेसिस होगा, प्रोटीन का सिंथेसिस होगा, तो उसके लिए
ये वेक्टर में क्वालिटी होनी चाहिए जिससे कि वो सेलेक्ट करे। सेलेक्टेबल मार्कर मतलब क्या, सेलेक्टेबल मार्कर इट शुड बी इनकॉम्परेट और सेलेक्टेबल मार्कर। इसमें सेलेक्टेबल मार्कर के साथ ज्वाइंट होने की, इनकॉम्परेट करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। मार्कर जीन मतलब कि ये सेलेक्टेबल मार्कर जीन को सेलेक्ट हो कर ले, अपने में जोड़ ले। दिस जीन परमिट टू सेलेक्ट दोज होस्ट सेल, ताकि यह ऐसे होस्ट सेल को परमिट करे विच बियर द वेक्टर, इट परमिट द ग्रोथ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। कह रहा है कि जब हम होस्ट सेल में डालें तो उसमें जाने के बाद इसका ग्रोथ हो, इसका जो जीन डाले हैं उसका ग्रोथ हो। तो ऐसा ही होस्ट सेल ये सेलेक्ट करता है, इसमें जो जीन ज्वाइंट किए हैं तो वह जीन ऐसे ही होस्ट सेल को सेलेक्ट करता है जो कि जाने पर क्या हो, उसका क्लोनिंग हो, उसका जो है कि ग्रोथ हो। नहीं डाल दिए तो ग्रोथ ही रुक जाए। तो इसके लिए सेलेक्ट करता है कि किस सेल में डालने पर वेक्टर को ग्रोथ होगा। तो वो क्या सेलेक्ट करता है, ग्रोथ होने वाले जिसमें इसका ग्रोथ हो, ऐसे जो है कि होस्ट सेल का सेलेक्ट करता है। सेकंड हो गया। थर्ड कह रहा है अब सेलेक्टेबल मार्कर के फॉर्म में हम क्या करते हैं, तो कुछ इसमें दिया गया है, हम देखते हैं आगे। तो ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन हो गया, अब सेलेक्टेबल मार्कर हो गया। तो इसमें क्या क्या होते हैं जस्ट देखते हैं, वन मिनट। तो भाई हम सेलेक्टेबल मार्कर के बारे में बता रहे थे। तो फ्यू सेलेक्टेबल मार्कर कौन कौन से ऐसे मार्कर होते हैं जिसको हम सेलेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट है ए, जीन विच कोड फॉर एंटीबायोटिक। यह क्लोनिंग वेक्टर ऐसे जीन को सेलेक्ट करता है जो एंटीबायोटिक का कोडिंग करे, रेसिस्टेंस, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस का कोड कर सके, ऐसे जो एक जीन का ये सिलेक्ट करता है। एग्जाम्पल के फॉर्म में एम्पीसिलिन, टेरामाइसिन और टेट्रामाइसिन। तो यह क्लोनिंग वेक्टर सेलेक्टेबल मार्कर का भी फॉर्म यूज करता है। तो ऐसी जीन को सिलेक्ट करता है जो क्या हो, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट हो, जैसे एम्पीसिलिन, टेरामाइसिन एंड हो गया। दूसरा करा है जीन विच इनकोडेड एंजाइम लाइक बीटा ग्लाइकोसाइड। यह क्लोनिंग वेक्टर ऐसे जीन को सेलेक्ट करता है जो एंजाइम बीटा ग्लाइकोसाइड का क्या हो, कोडिंग करता हो। तो ऐसे जीन का भी ये सेलेक्ट करता है, ठीक है। तो सेलेक्टेबल मार्कर का भी ये पहचान करता है। थर्ड, क्लोनिंग वेक्टर शुड बी रिलेटिवली स्मॉलर इन साइज एंड ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट। अब थर्ड कह रहा है क्लोनिंग वेक्टर की पहली क्वालिटी तो ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन हो, दूसरा की सेलेक्ट करने की कैपेसिटी हो, सेलेक्टेबल मार्कर का भी कैपेसिटी रखता हो, और थर्ड क्लोनिंग वेक्टर शुड रिलेटिवली स्मॉल साइज में छोटा, इतना बड़ा क्लोनिंग वेक्टर नहीं हो, क्या होना चाहिए, स्मॉलर इन साइज एंड लो मॉलिक्यूलर वेट। और मॉलिक्यूलर वेट क्या हो, उसका हल्का हो, ज्यादा वेट वाला नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये स्मॉलर साइज का होना चाहिए और लो मॉलिक्यूलर वेट का होना चाहिए। थर्ड नंबर। फोर्थ नंबर, वेक्टर शुड बी डेफिनेट बियर एट लीस्ट वन रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेशन साइट। कह रहा है कि क्लोनिंग वेक्टर में कम से कम एक
रिस्ट्रिक्शन साइज होना चाहिए जहां पर फॉरेन डीएनए को इंजर्ट किया जा सके, उस पर ऐसा प्लेस होना चाहिए। कह रहा है कि वेक्टर शुड बी डेफिनेटली बियर एटलीस्ट वन रिस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस रिकॉग्नाइजेशन साइट। वेक्टर में ऐसी जो है कि इंडो न्यूक्लियोजेशन साइट हो, इट विल अलाउ फॉरेन डीएनए टू बी इंजर्ट, जहां पर हम फॉरेन डीएनए को उस प्लेस पर क्या कर सके, इंजर्ट कर सके, इनटू वेक्टर, वेक्टर में ड्यूरिंग जनरेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स। जब हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स बनाए तो इस क्लोनिंग वेक्टर में एक ऐसा क्या कर रहा है, प्लेस होनी चाहिए, ऐसा प्लेस होनी चाहिए जहां पर कि हम डिजायरेबल जीन को ज्वाइंट करके और रिकॉम्बिनेंट डीएनए फॉर्म कर सके। वही कह रहा है कि वेक्टर शुड बी डेफिनेटली बियर एटलीस्ट वन रिस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियेजर रिकॉग्नाइजेशन साइट, ऐसा साइट होना चाहिए जहां पर डिजायरेबल जीन को जोड़ा जा सके। इट विल अलाउ टू फॉरेन डीएनए टू बी इंजर्ट इनटू वेक्टर ड्यूरिंग जनरेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स। ठीक है, प्लाज्मिड आर फेज आर द वेक्टर दैट आर यूज फॉर क्लोनिंग। कह रहा है कि प्लाज्मिड एंड फेज दो ऐसे होते हैं जिसको हम क्लोनिंग वेक्टर के फॉर्म में यूज करते हैं। किसको करेक्ट, प्लाज्मिड्स एंड फेज आर द वेक्टर, ये वेक्टर होते हैं दैट आर यूज फॉर क्लोनिंग, जिसको हम क्लोनिंग के फॉर्म में यूज करते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिफरेंट टाइप के प्लाज्मिड एंड फेज का स्टडी करेंगे। आज हमारा हो गया क्लोनिंग वेक्टर, और क्लोनिंग वेक्टर की क्या क्या जो है कि करेक्टर्स होने चाहिए, जिसमें वन ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, दूसरा सेलेक्टेबल मार्कर, थर्ड नंबर साइज छोटा हो और कम वेट हो, और चौथा नंबर इसमें होना चाहिए क्या, रिस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियेज रिकॉग्नाइजेशन साइट। दैट्स ऑल फॉर टुडे।